में एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। ये रेसिपी बहुत ही क्विक, टेस्टी और रिफ्रेशिंग है। आज मैं आप सबके सामने बनाने जा रही हूँ मैंगो पुडिंग। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मैंगो पुडिंग। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 4 आम लिया था, उसमें से ये 3 आम हैं, इसको मैंने पीसेस में काट लिए हैं। और अब इसमें मैं 1/4 कप शुगर डालूंगी और इसका एक फाइन प्यूरी बना लूंगी। प्यूरी हमारी बन गई है तो हम हमेशा इसे छान के डालेंगे, क्योंकि कई बार आम में वो रेशे होते हैं तो वो नहीं आए इससे। प्यूरी हमने छान ली है तो अब मैं गैस ऑन करूंगी तेज आंच में, 5 से 7 मिनट तक इसको पकाऊंगी, जो उसमें अगर थोड़ा बहुत पानी हो जिससे वो उड़ जाए। इसे लगातार चलाते रहेंगे। इसमें से अब पानी निकल गया है तो अब मैं इसमें आंच धीमी करूंगी। और मैंने 1 कप मलाई ली है, फ्रेश क्रीम है ये, वो डालूंगी। आप चीनी एक बार चख लीजिएगा, क्योंकि आम की मिठास के ऊपर होता है, कई बार आम ज़्यादा मीठा होता है तो ज़्यादा चीनी की जरूरत नहीं होती है, अपने अकॉर्डिंग चीनी ले लीजिएगा। वापस से तेज आंच कर देंगे। क्रीम हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है, आंच धीमी करेंगे और ग्लास में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे और 1/4 कप मैं दूध डालूंगी इसमें और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। ये जो मैंने कॉर्नफ्लोर मिक्स किया है इसको अब थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और चलाते रहेंगे लगातार, आंच तेज कर दूंगी। देखिए ये कितना अच्छे से गाढ़ा होना शुरू हो गया है, आंच धीमी कर दूंगी। बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है, देखिए इसकी थिकनेस बहुत अच्छी हो गई है। अब मैं गैस बंद कर दूंगी और इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखूंगी। तो इसे हम अपनी सर्विंग वाली प्लेट में डाल लेते हैं और फिर इसे 1 घंटे के करीब ठंडा होने के लिए रख देंगे फ्रिज में, जिससे कि ये सेट हो जाए। तो हमने अपनी सर्विंग वाली प्लेट में पुडिंग डाल दिया है, मैंगो पुडिंग। तो अब मैं इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। पुडिंग हमारा ठंडा हो गया है, ये 1 से 1.25 घंटा हो गया है। मैंने इसको फ्रीजर में रख दिया था 1/2 घंटे के लिए, पहले फ्रिज में रखा था 1 घंटे के लिए, फिर उसके बाद 1/2 घंटे के लिए मैंने फ्रीजर में रख दिया था। तो यह बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो चलिए इसे डेकोरेट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने मैंगो की स्लाइसेस काटी हुई हैं, तो इसे पीछे की साइड ऐसे सेट करते हुए रखती जाऊंगी ओवरलैप करते हुए। हल्के हाथों से आम की एक एक साइज ऐसे रखते जाएंगे। मैंगो स्लाइसेस मैंने कॉर्नर में लगा दिया है, तो अब ये मैंगो क्यूब्स काटे हैं मैंने, इसे सेंटर में फिल करूंगी।
क्यूब्स डाल दिए हैं मैंने। अब मैं थोड़े से चेरी लूंगी, फ्रूट एंड नट, और इसके ऊपर स्प्रेड करूंगी थोड़ा थोड़ा। ये हमारी ठंडी ठंडी मैंगो पुडिंग तैयार है खाने के लिए। तो बन गई है हमारी मैंगो पुडिंग। बहुत ही झटपट रेसिपी है ये, बहुत ही जल्दी बनती है। और खाइए और खाके मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको तुरंत दिखेगी।